सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज वीडियो वीपीडियो का पेपर था और बच्चों की हालत ख़राब हो गई है। जितने मैसेज मुझे मिले हैं सब बोल रहे हैं सर ये पेपर क्या था। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो पेपर कैसा जाना वाला है। बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़ाम पूछता तो बड़ी दिक्कत आती है। फिर भी आंसर के साथ हम आए हैं, आज हम जो है आपकी जो ये पेपर है इसको भी सॉल्व करेंगे, उसके आंसर की भी आपके सामने रखेंगे, ठीक है, वो भी हम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं जिनके आंसर की जिनको देखनी है और कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार इस सेशन को सब लोग शेयर कर लीजिए क्योंकि आंसर की के ऊपर डिस्कशन हमारा शुरू हो चुका है। ये आंसर की जो है, अगर ये आपकी मम्मी या पापा इस एग्ज़ाम को दे रहे होते, थोड़ी बहुत उन्होंने पढ़ाई करी होती तो वो आराम से कर लेते, क्योंकि पहाड़ी जो इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया वो तो सिर्फ माता नानी दादा दादी इन सभी को पता हो सकता है और किसी को पता नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी इन सब से पूछ पाछ के हमने कई जगह से इस आंसर को निकाला है। आशा करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये आंसर आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज हम वीडियो वीपीडियो का आपका जो ये आंसर की है पूरी तैयार कर चुके हैं और इसमें सटीक आंसर देने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं एक बार आप सभी लोग इसको शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों का शेयर कर लीजिए। क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं ये आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो ABCD आपको पता है सेट आते हैं, ये 20 सेट है। तो जिन लोगों के 20 सेट हैं उनको तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जिनके 20 सेट नहीं है वो अपने सेट को निकालिए और अपने सेट को निकालने के बाद उसमें आंसरों को देखना शुरू कर दीजिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्रोविडेंस कोचिंग में, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे मित्रों। आपको बताना चाहूँगा कि 8 जनवरी 2024 से ग्रुप सी का फाउंडेशन बैच हमारी नई टीम के साथ शुरू होने जा रहा है। तो जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे आप अभी लिंक में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 8 तारीख को जो हमारा बैच शुरू हो रहा है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जो हैं वो क्या करेंगे इसको शेयर कर लेंगे। चलिए तो ठीक है, चलिए अगला आंसर अगर हम देखें तो अगला आंसर है हमारा जो कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं। अगर हम कुमाऊनी भाषा में आण शब्द को देखेंगे तो कुमाऊनी भाषा में आण ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी पहेली और ऑप्शन डी जागर। तो अगर हम देखेंगे तो कुमाऊनी शब्द में आण जो है वो कहते हैं किसको, वो कहते हैं पहेली को, ठीक है, है ना। आण शब्द किसको कहते हैं, पहेली को कहते हैं। जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी लोग जुड़ जाइए, आण शब्द कहते हैं पहेली को, ठीक है। चलिए अगला है, ये भी कुमाऊनी है। आखन आंसू उनी घुनन है जय की उनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आँख से आंसू आते हैं, घुटनों से जो क्या आते हैं, आंसू घुटने से नहीं आते हैं, आत्मजनों को सहानुभूति होती है दूसरों को नहीं, और दूसरों को दुख देखकर आंसू आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है वो है आत्मजनों को सहानुभूति होती है दूसरों को नहीं होती है, ठीक है ना। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन शेयर जरूर करें क्योंकि जिन लोगों का भी पेपर था आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अच्छा जी, चौथे का कर लेते हैं। चौथे का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म में विलोम नहीं है। तो आपका जो आंसर है इसमें वो है आसपास, ठीक है, पक्ष विपक्ष, थोड़ा बहुत, नम्र और घृष्ट, ये सब विलोम है। कौन सा पक्ष नहीं है, ये आसपास, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भतवा भटा सेमी क्या है। अगर भतवा भटा सेमी की बात करेंगे तो भाई भटा सेमी राजमा की दाल होती है, ठीक है, ये क्या है, वनस्पतियाँ होती है, ठीक है। कुमाऊं में सेमी बोलते हैं, भट्टा भतवा जो बोलते हैं गढ़वाले में बोलते हैं, तो सेमी क्या है, वनस्पतियाँ हैं, ठीक है। स्थान वस्तु बर्तन नहीं है बल्कि क्या है, वनस्पति है, ठीक है। तो ये आपका पाँचवें का आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं छठे क्वेश्चन के ऊपर। छठे क्वेश्चन में अगर हम देखें सूची एक और सूची दो, ठीक है, ये छोटा करने की कोशिश करूँगा, छोटा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन सूची एक और सूची दो में से आपको पहचानना था, ठीक है। इसका जो आंसर है सूची एक सूची दो में से, मैं पहले सूची पढ़ लेता हूँ, काफ़ी लोगों ने पढ़ी नहीं होगी तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ना करने योग्य, जहाँ पहुँचना जा सके, जिसके पास कुछ ना हो, जिसकी गिनती ना की जा सके, तो उसमें बी आंसर है, ठीक है। का तीन मतलब कि ना करने योग्य मतलब अकरणीय है, तो बहुत ही आसान था तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अगर आपने सूची ये छठा क्वेश्चन करा होगा तो छठे का आंसर आप क्या कर देंगे, बी कर देंगे। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि छठे का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो सभी लोग क्या कर देंगे, एक बार शेयर कर लेंगे सेशन को, सेशन को शेयर करना बहुत जरूरी है, एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर लीजिए। चलिए सातवां क्वेश्चन कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि अनु प्लस एषण, ठीक है, अन्वेषण, अनु प्लस एषण अन्वेषण, यह किस संधि के नियमानुसार होगा,
तो भाई सिंपल सी बात है, ये किस संधि के अनुसार होगा? यण संधि के अनुसार होगा, ठीक है। यण के नियम आप सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि लंबा पेपर है तो मैं ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए हम अलग से करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम अलग से करेंगे, यहाँ पर केवल डिस्कशन चल रहा है इस टाइम पे, तो डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो सातवां का आपका आंसर होगा यण संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित कर रहे हैं हमें, राहुल घर जा रहा है, राहुल घर जाओ, क्या राहुल घर जा रहा है, शायद राहुल घर जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से ही उत्तर चुनेंगे आप लोग, तो इसमें अगर हम आठवें का आंसर देखेंगे तो डी है, ठीक है। अगर आपने आठवें क्वेश्चन करा और आपका आंसर डी है तो काका तीन, मतलब काका तीन मतलब विधिवाचक है, राहुल घर जा रहा है तो विधिवाचक है, ठीक है। खाका चार, राहुल घर जाओगे तो आज्ञार्थक है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, अगर आपने इसका आंसर डी करा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अगर हम कौन सा कथन असत्य की बात करें तो छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति, बर्फ का अर्थ है वृष्टि, झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि, और छिटाण का अर्थ है अतिवृष्टि, ठीक है। अगर नवे की बात की जाए तो यहाँ पर छिटाण जो है वो सही है, ठीक है, यहाँ मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से सही है, असत्य है, ठीक है, बाकी सब सही है। छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि नहीं होता, छिटाण का अर्थ होता है बूंदाबांदी होने वाली स्थिति होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने ये करा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, परेशान मत होइए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है, तो ऐसा नहीं कि केवल जौनसार में होता है, गढ़वाल में भी इसको बोलते हैं, सेम होता है, ठीक है। तो जौनसार में अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्यारहवा, कि निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो अतिवादी सर्वनाम तो नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर अतिवादी करा है तो बिल्कुल सही है, अतिवादी सर्वनाम इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ग्यारहवें का आंसर क्या है, अतिवादी। चलिए अगला कर लेते हैं, अगला हमारे पास ग्यारहवें का बारहवा क्वेश्चन कर लेते हैं। बारहवा क्वेश्चन है, बारहवा है हमारे पास कि पराई वस्तु को दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। मांगिक खाणु मरोड़िक रणु, बिराना सुनान नाक तुखोणु, सोण मरी सासु भादो एन आंसू, रोण मनसा छे बल आंखा थचाक लगी। तो पराई वस्तु को दिखावे में कष्ट होने की स्थिति जो है, इसका आंसर जो है बारहवीं का, तो बारहवीं का आंसर आपका है बी, यानी बिराना सुनान नाक दुखोणु, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये गढ़वाली लोकोक्ति है, तो आपको गढ़वाली अगर आप हैं तो आसानी से कर लेंगे, गढ़वाली अगर आप नहीं हैं तो आप लोग मुश्किल इसमें हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इस समय ज़्यादा चर्चा से नहीं हो पाती, मैं आंसर की हम लोग बता रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जब होगा तो हम उसको तो अलग से करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अलग से करेंगे, हिंदी का एक्सप्लेनेशन अलग से होगा, उत्तराखंड का एक्सप्लेनेशन अलग से होगा, जीएस का एक्सप्लेनेशन अलग से होगा। फिलहाल तो आप अपने आंसर को टिक कीजिए, करिए कि देखिए क्या इसका आंसर है, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, धारावाहिक, किसी विशेष समाचार पर विशिष्ट विचारात्मक टिप्पणी, तो इसका आंसर सीधा क्या है, इसका आंसर है, इसका आंसर आपका ए, काका तीन। काका तीन का मतलब क्या हुआ कि समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को आलेख कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और खाका दो कर लीजिए, तो इसमें अगर आपको आंसर करना हो तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, इसको आंसर कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है आपका वो है ए, ठीक है, तो इसको आंसर कर लीजिएगा। जो मैं आपको पहले बताया सेट बी हम लोग कर रहे हैं, सेट बी हम लोग कर रहे हैं, तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में भी इतना नहीं आ पाएगा तो मैं इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं दे पाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 14वां क्वेश्चन हमारे पास सामने है, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, रेडियो आप सुनते हैं ना, तो अगर रेडियो आप सुनते हैं तो सिंपल सी बात है कौन सा है, श्रव्य रूप है, सुनने योग्य है, ठीक है। अब देखने वाला रेडियो तो अभी तक बना नहीं है, जब बन जाएगा तो उस टाइम हम चर्चा कर लेंगे, अभी कौन सा रूप है, श्रव्य रूप है, तो आंसर डी है, 14वां का आंसर आपका डी हो जाएगा। गढ़वाली शब्द उड़वार, देखिए उड़वार जो है ना ये कई शब्दों से मतलब साम्य रखता है, क्योंकि गढ़वाल में अगर आप जाने, इस प्रकार के प्रश्न मैं समझता हूँ कि नहीं पूछे जाने चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछे जाने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि भाई हर 3 किलोमीटर में जो है गढ़वाली भाषा चेंज हो आती है। जहाँ पर आप डड़वार शब्द को देख रहे हैं, यहाँ पर उड़वार शब्द को देख रहे हैं, ये मेरी जगह पर डड़वा। तो जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग को मैं थोड़ा सूचना देना चाहूँगा कि 8 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है, ग्रुप सी फाउंडेशन बैच, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में। अगर आप में से कोई भी आपके जानने वाले भी कोई इसको बैच को लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा कॉल कर सकते हैं। शायद इस समय किसी नंबर पर फोन ना उठाया जा सके, लेकिन आपको कॉल बैक जरूर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक नंबर मेरे पास ही है, तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झिक्कल कामची उड़ियाली है, ठीक है, झिक्कल कामची उड़ियाली है, तो ये क्या है,
तो उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है ये, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि झिक्कल कामची उड़ियाली जो है वो उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है। अगर आपने ये करा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और एक बार सभी लोग, जितने लोग अभी देख रहे हैं, अगर आपको सेशन सही लग रहा है मेरे मित्रों, तो प्लीज़ एक बार इसको आप शेयर कर लीजिए, ठीक है, एक बार अपने दोस्तों के साथ बता लीजिए, शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा मास्टर जी, हम लुट गए, लुट नहीं गए मेरे दोस्तों, लुट नहीं गए हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, चीज़ों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं, ठीक है, लुट नहीं गए हैं। अब जो लोग उत्तराखंड को लेकर पढ़ते हैं कि हम वन लाइनर भी पढ़ेंगे, हम अलाना भी पढ़ेंगे, फलाना भी पढ़ेंगे, भाई साहब परीक्षा वाणी को घुमा के पूछ लिया उसने। परीक्षा वाणी कर आपने पढ़ ली होती ना ढंग से, और परीक्षा वाणी पर फोकस किया होता, और 50 किताबें ना पढ़ते आप, ठीक है। मगर प्रॉब्लम हम स्टूडेंट्स में क्या होती है ना, हमें लगता है कि बस हमें किसी का क्या बनना है, महारथी बनना है। तो आप महारथी बनने की कोशिश जब करते हो ना, तभी लुटते हो। अगर आप महारथी बनने की कोशिश नहीं करोगे तो कभी लुटोगे नहीं, ठीक है। तो जो महारथी नहीं बनता वो लुटता नहीं है, इतने याद रखिएगा। चलिए एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अच्छा जी, निम्नलिखित में से सही युग्म का आपको चुनना है, ठीक है। अब सही है, ये तो बेसिक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन ला, उष्म व्यंजन चा, आगत व्यंजन टा, संयुक्त व्यंजन का। तो अगर आप इसमें देखेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या है, ल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ला को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा सजग हैं ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए आप लोग क्या है, आराम से क्वेश्चन को याद रख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने कितने 17 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब चलते हैं 18वें के ऊपर चलते हैं, और 18वां क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि जो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो भाई सिंप आपको क्या करना था, सुमेलित करना था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन, देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। 19वें क्वेश्चन में सूची एक, सूची दो को शामिल करना था आप लोगों ने। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका ए, ठीक है, चौथे का ए है, ठीक है। तो अगर आपने ए करा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ए नहीं करा है, जिसमें दावा जो है वो आगे शब्द है, ठीक है, और जो थैला जो है वो देशा शब्द है, ठीक है। इस तरीके से आपने शब्द जो है, शब्द के ऊपर ही प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा, से इसका आंसर ए है। अच्छा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अच्छा ये बड़ा पॉपुलर प्रश्न है जिसमें रस पूछा जाता है कि इसमें रस कौन सा है। इस बार इसमें अलंकार पूछ लिया, पता नहीं जो पेपर बना रहा था उसने रस की जगह अलंकार जबरदस्ती डाला है कि क्या कर रहा है, कन्फ्यूजन कर डाला है, जो भी कर रहा है इसने, करा है तो है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है रस का, ठीक है। लेकिन हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है। तो अगर हम देखें तो उपमा, प्रत्यक्षा, उरूपक इनमें से कोई नहीं, बल्कि इसमें जो है कन्फ्यूजन जो आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन इसमें जो है वो मानवीकरण अलंकार है। हालांकि इसमें उरूपक भी कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मानवीकरण अलंकार को ही हम इसमें मानेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें रूपक अलंकार अगर आप करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, सॉरी मानवीकरण अलंकार करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपके सवाल थोड़ा सही हो रहे होंगे। चलिए ओके, अब चलते हैं, हमारे पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देशों की परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो सिंपल सी बात है, अफ्रीका संघ को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ रखा है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर आपका आंसर अफ्रीका संघ है तो आपने बहुत अच्छा करा है। चलिए विच ऑफ द, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है इसमें मुख्य प्रकार नहीं है, बाकी सब मुख्य मेमोरी में होता है, ठीक है, रोम और कैश मेमोरी सब होता है। तो जो आपका मैग्नेटिक डिस्क है वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लोग मुझे अभी सेशन में फ़ोन कर रहे हैं मेरे बच्चों, फिर फ़ोन ना कीजिए, मैं फ़ोन उठा नहीं पाऊँगा आपका, ठीक है। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन तो मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने बहुत ढूंढ के इस क्वेश्चन को करा है। 30वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था। मैं UPSC का मेंस लिख चुका हूँ, मैं 6 इंटरव्यू दे चुका हूँ, इस समय भी मैंने PCS का मेंस लिखा, इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ, एक्स ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को ढूंढा है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन करा है तो इसका आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था। तो विनियोग था, इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, प्रतिस्पर्धा नीति थी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी थी, और गवर्नमेंट खरीद यानी प्रोक्योरमेंट था, लेकिन पर्यावरण एवं सतत विकास नहीं था। चाहे तो आप इसको ढूंढ लीजिएगा गूगल करके, लेकिन इसका आंसर आपका क्या है, बी है। तो 23वें का आंसर बी है, सेट बी हम लोग कर रहे हैं मेरे मित्रों, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं हम कर रहे हैं सेट बी, ठीक है। इतने कथन तो PCS में भी नहीं होते ना, बड़े हैरान हो गया मैं इस चीज़ को देखकर। चलिए एक कथन है,
हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ लेता हिंदी में। विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर विदेशी निवेश हो रहा है, तो विदेशी निवेश के अंदर ही आपका FDI आता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें अगर हम इसमें देखें, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, तो इसमें दोनों कथन ही सही है, ठीक है। विदेशी निवेश के अंतर्गत FDI और विदेशी संस्था का निवेश FPM, दोनों को FPI को दोनों को शामिल किया जाता है, और विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। तो दोनों कथन अगर हम देखेंगे तो हालांकि नहीं, केवल एक कथन एक, ठीक है, इसमें एक होगा आंसर, दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो भाई आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों ही सही है, ठीक है ना। FPI आपको पता है म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह में क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका केवल एक होगा, ठीक है। तो अगर केवल एक है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन इतने लोगों ने गलत कर रखा है ना, मैं हैरान हो चुका हूँ। यहाँ पर बैरोमीटर का आंसर बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। कई लोगों ने इसका आंसर ना बैरोमीटर के जगह कुछ और कर रखा है, ठीक है, कई लोगों ने कर रखा है। क्लाइनोमीटर जो होता है बेसिकली एंगल को मापने के लिए होता है, ठीक है, ये मेजर्स हाइट लिखा हुआ है, लेकिन एलिवेशन और एंगल प्लस एलिवेशन को यहाँ पर हाइट मान लिया गया है, तो बिल्कुल सही है। बैरोमीटर जो होता है ना, ये बैरोमीटर जो होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो आपका वायुदाब होता है ना, तो उसको नापने के लिए होता है, ये वायुदाब मापने के लिए होता है। तो अगर आप सुमेलित नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। तो वायु की गति मापक नहीं है, बल्कि वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। तो अगर आपका आंसर 26 का सी बैरोमीटर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ओके, ये क्वेश्चन भी 27वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो PCS के लेवल के दिखे यार। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति या निजी क्षेत्र में निवेश का दायरा बढ़ाना है। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो PSU आपके होते हैं ना, नवरत्न महारत्न जो कंपनीज होती है, उनके लिए आपका क्या है ये चीज़ है। तो इसमें दोनों कथन सही है, ठीक है। इसमें अगर आपने दोनों करे हैं तो दोनों कथन इसमें सही ही है, ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना आप लोगों ने, दोनों कथन सही है इसके। मगर आप ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ ढूंढना है इसको, तो PSU जो आपका PSU होते हैं, नवरत्न महारत्न जो मिनी रत्न कंपनी होती है, तो भारत के जो सरकारी उपक्रम होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट क्या होती है कंपनी को बनाती है, उनके लिए ये है। अगर कोई बीमार पड़ जाती है किसी कारण से उनके लिए, ठीक है। कर किसने शिलादित्य की पदवी धारण की थी, तो हर्षवर्धन ने की थी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हर्षवर्धन के पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन था, उसी ने ही करा था। तो जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कर रहे हैं सेट बी, आज के जो सेट बी है उसको कर रहे हैं। और एक बात आपसे फिर कहना चाहूँगा, बीच बीच में माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि 8 तारीख से 8 जनवरी से आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जो ग्रुप सी का फाउंडेशन बैच है, अगर आपके कोई भी जानने वाले हैं या आप लोग करना चाहते हैं और बहुत ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो प्रोविडेंस के बैच जो है वो 8 तारीख से आप क्यों कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बैच अनाउंसमेंट हो जाएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सूची 1 सूची 2 दी गई है। सूची 1 वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, सांसदों के वेतन भत्ते धन विधेयक, ठीक है। अब जिसने आर्टिकल याद किए होंगे ना तो उसका आसान सा हो जाएगा, आर्टिकल याद नहीं किए होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन जो है 112 हो गया और धन विधेयक हो गया 110। अगर दो ही आपने याद कर लिए ना, तो अगर आपने दो भी कर लिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। 31 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है, सी है। अगर आपने दो भी कर लिए होंगे, ज़्यादा ना भी करो दो भी कर लिए होंगे तो आपने कर लिए होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन जो है सी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ए का है 3, ठीक है, और बी का है 1, ठीक है। धन विधेयक कितने में है, सी का है 2, तो ठीक है, क्लियर है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 32वां, और ये क्या बोलता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इसराइल की सीमा पर साझेदारी करता है। ईरान। देखो दोस्तों आप बताइए कि आपने भारत का मैप देखा ही होगा, ठीक है, ये भारत है, इसके बगल में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की सीमा जो है किससे जुड़ती है, ईरान से जुड़ती है, ठीक है। और फिर लास्ट में कहीं पर आपका इसराइल है, तो सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, तो इनकी सीमा इसके साथ जुड़ती हैं। लेकिन आपका जो ईरान है उसकी सीमा जो है साझा नहीं करती, भले ही ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है हमास के लोगों को, हूती के लोगों को कर रहा है। अभी आपको पता है कि आज ही न्यूज़ आई है कि हूती विद्रोहियों ने हमारे यहाँ पर जो ऑयल टैंक आ रहा था उस पर जहाज़ पर हमला कर दिया। चलिए
अच्छा, कई लोगों ने इसका आंसर ट्रोजन हॉर्स करा है, बहुत ही बेवकूफ़ी वाले काम कर दिया आप लोगों ने, ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन क्या ध्यान से पढ़िए, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करता है। यहाँ पर सवाल क्या, हावी होने का क्या करता है, प्रयास करता है, और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर, यहाँ पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकता है। तो यहाँ पर पहली बात हावी होना, और अत्यधिक अनुरोध अगर होता है तो इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं। यहाँ पर जिन्होंने ट्रोजन हॉर्स करा है, ठीक है ना, यहाँ पर अगर जिन्होंने ट्रोजन हॉर्स करा है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता, तो इसका सही उत्तर है बेल्जियम। ठीक है ना, बेल्जियम को हराकर जीता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर करंट अफेयर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बहुत बेकार बात है। तो सेट बी हम कर रहे हैं, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं हम लोग सेट बी कर रहे हैं। सेट बी अगर जिनका है आप आराम से कीजिए, जिनका नहीं। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र पवित्र प्रकृति के हैं। तो ये था आपका गोलकनाथवाद 1967। तो 1967 में जो आपका गोलकनाथवाद है ये पवित्र प्रकृति की बात करता है। ठीक है, रटा रटाया क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इसमें दर्रे आपको बताने हैं। तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि नीति दर्रा है, नीति पास, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। बस दो ही क्वेश्चन हमें चाहिए था, एक का बी हो गया, एक का बी हो गया इसमें, तो ये हो गया, एक का बी अगर आ गया है तो खत्म कहानी। इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। तो 37 का आंसर जो है आपका क्या है, 37 का आंसर आपका डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है सूची एक सूची दो में सही उत्तर दीजिए। तो बजट जो है वो वार्षिक वित्तीय कथन है, ए का तीन आ गया। अब देखिए ए में ना, ए में तीन कहीं पर भी नहीं, एक में तीन बी में ही है, तो ज़्यादा परेशान होना ही था आप लोगों ने। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बजट जो है आपका वार्षिक वित्तीय है, और जो नाबार्ड है वो आपका क्या है, HHG बैंक संबंधित कार्यक्रम है। फेमा जो है आप जानते ही होंगे कि आर्थिक सुधार को लेकर ही आया गया था पहले, ठीक है ना, फेरा फेमा अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जितना भी भारत से यहाँ की ओर इन्वेस्टमेंट होता है उसके संदर्भित था। ठीक है, और CPI का जो है वो आपका क्या है, मुद्रास्फीति से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भाई सिंपल सी बात, कानपुर और कोयम्बटूर। के तो कोयम्बटूर इसका आंसर है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, और भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है इसे कहा जाता है कोयम्बटूर को। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि मेक इन इंडिया पहल चार स्तंभों पर आधारित थी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू डेस्टिनेशन है, मैं अंग्रेजी माध्यम हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि सेक्टर आता है यहाँ पर, अगर सेक्टर होता तो सही रहता, बाकी सब सही है। तो 40वें का क्वेश्चन अगर हम देखें तो 40वें का आंसर है सी। ठीक है, नए गंतव्य नहीं है, नए क्षेत्र हैं। अगर हिंदी में आएगा तो क्या आएगा, नए क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो नई प्रक्रिया भी इसके अंदर है, नई बुनियादी ढांचे भी इसके अंदर है, नई सोच भी इसके अंदर है। क्या नहीं है, ठीक है, नए गंतव्य नहीं है, नए क्षेत्र हैं। सेक्टर अगर इसमें आता तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन सेक्टर नहीं है तो इसका आंसर क्या है, सी है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अब ध्यान से दीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने पूरा पंचायती राज एक्ट पढ़ा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, क्या नहीं हो सकता है। इसका आंसर डी, तीन और चार है। चार मतलब खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद के सचिव के रूप में काम करता है, और खंड विकास परिषद में मध्य स्तर पर किया गया है। कौन सा सही नहीं है, कथन सही है, सॉरी हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा ये गलत क्यों है, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम है तो इसलिए गलत हो गया, और एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 50% सीटें महिलाओं के लिए, तो दो तो गलत हो गया। अगर एक और तो गलत है, तो जहाँ पर एक है ये भी नहीं हो सकता, और जहाँ पर दो है वो भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, तीन और चार। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये कभी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपको पता नहीं होती हैं। ठीक है ना, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है मेरे मित्रों तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। प्रोविडेंस कोचिंग में अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको सिखाते हैं सवाल कैसे करने हैं। अगर आपको हर चीज़ नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आ रखा है, मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछते हैं। आप लोग ग्रुप सी में वालों के साथ बड़ा अत्याचार कर रहे हो, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पेपर के बाद तो कई लोग ग्रुप सी देना भी छोड़ देंगे। ठीक है ना, मैं खुद ही हतोत्साहित हो जाऊँगा। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलिए आंसर बी है, एक और तीन। कथन एक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम बिल्कुल सही है और यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवार को 15 से 35 का साल का है तो गलत है, ये 18 से 35 है। अब यहाँ पर 18 से 35 है ना, तो 15 से 25 का तो खत्म ही होता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो 18 से 35 वाला हो गया, कथन दो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जहाँ जहाँ दो है कैंसिल कर दो, जो बचा क्या बच गया, एक और तीन। तो अगर आपको एक भी पॉइंट पता है ना, अगर आपको एक भी पॉइंट पता है तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपको एक पॉइंट नहीं मालूम है तब तो गड़बड़ है, जब पता ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। वैसे भी हमारे प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे हैं जो ग्रुप सी के अलावा सोचते भी नहीं होंगे बेचारे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा अत्याचार, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। मैं आप लोगों के साथ बहुत सहानुभूति रखता हूँ, मेरे दिल से आप लोगों के लिए क्या है बहुत दुआएं हैं। भगवान करे आपका जो क्या बोलते हैं सिलेक्शन हो वो हो जाए, किसी न किसी ढंग से हो जाए, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न जो है वो ग्रुप सी वालों के लिए नहीं है, पता नहीं कैसे कर दिया इन्होंने। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवा रखा है, हालांकि बहुत पहले करवाया था, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के केवल दो ही आए हैं, 4 और 6 आए हैं, 11वां नहीं है, तो इसका आंसर वह संस्करण IP 11। अभी तक केवल दो ही आ रखे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के केवल दो ही प्रोटोकॉल हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल 6। 11 अभी तक नहीं आया है, तो 43 का अगर आपको आंसर करना हो तो 43 का आंसर आपका है 43 का आपका आंसर है सी, ठीक है। तो IPV 11 नहीं है, केवल दो ही प्रोटोकॉल अभी तक आए हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा जो GS से बहुत डीप पढ़ाता हूँ, कई बच्चों को लगता होगा डीप क्यों पढ़ाता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ बेटा, अगर आपने गोधूम याद किया होता ना तो आपका आंसर सही हो जाता। चावल को ब्रीही बोलते हैं, उड़द को मास ही बोलते हैं, जौ को यव ही बोलते हैं, लेकिन गोधूम किसको कहते हैं, गेहूं को कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गोधूम है। ये वैदिक काल से पूछा गया प्रश्न है, अगर आपने ढंग से पढ़ाया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो क्या कर सकता कोई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए लिखा, तो भाई चलेगा कमेटी, बात खत्म, यहीं पर बात खत्म होगी, आगे बढ़ेंगे। 46 का है ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत परिषद अधिनियम, सीधा विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 में की गई थी, ठीक है ना। अगर आपको एक भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा 47 क्वेश्चन हमारे पास है। 47 का आंसर है आपका सी, ठीक है, ओके, सी इसका आंसर है। पहले का 3 है, दूसरे का 2 है। आपको पता है कि मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधि दिया गया था, तो अगर आपने 2-3 कर लिया हो तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है और विदेशी पूंजी तकनीक ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। बिल्कुल सही बात है, अगर विदेशी पूंजी निवेश होगा, ठीक है, तो विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपके पास पैसे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर पैसे नहीं आएंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, ठीक है। और तकनीकी ज्ञान का, अब देखिए गवर्नमेंट को इतना पैसा आ रहा है तो मेड इन इंडिया जैसा प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन पैसों के साथ साथ तकनीक भी आ रही है, तो दोनों ही सही है। अगर कथन 1 और 2 सही है तो बिल्कुल सही है, तो कथन 1 और 2 ही क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ज़्यादा परेशान इसमें होने की जरूरत नहीं है। मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक है महेंद्र वर्मन प्रथम, तो ज़्यादा परेशान आपने होना ही नहीं है, महेंद्र वर्मन प्रथम अगर आपने लिखा है करा है तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में कितनी है, 697 वस्तुएं हैं, ठीक है, ये तो देखिए हर कोई नहीं जान पाता है, बढ़ते रहते घटते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो 697 वस्तुएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ 51 का अगर देखें तो किताबों में नहीं दे रखा है, ठीक है। 51 का आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषण में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, पवलिया, हिरोता पैरों की अंगुली पहने जाने वाला आभूषण, ये सही नहीं है, और तीसरा चरियो जो होता है वो गले में पहना आता है, पैरों में नहीं पहना आता है, तो ये गले के लिए, तो दोनों सही नहीं है, 1 और 3 इसका क्या इसका आंसर है, बाकी दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा ये क्वेश्चन भी भाई मुझसे भी नहीं हो पाता क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं रहता है। 52 का अगर हम दो देखेंगे तो 52 का अगर हम देखें तो 52 का बी इसका आंसर है। ठीक है, डेट है, किसी को याद रह गया हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं रहा हो तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 की है। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, बी का दूसरा सितंबर 2021। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ना किताबों की जो डेट है और इसकी जो डेट है थोड़ा डिफर कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया है तो उसका आंसर आप देख लीजिएगा बी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घी संक्रांति आप जानती हैं कि ओलगिया बोलते हैं, तो अगर घी संक्रांति करना है तो बी ओलगिया इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 54 पे क्वेश्चन पे करते हैं। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, परेशान होने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। सी इसका आंसर है, देख लीजिए। चौफुल आप जानते हैं लोक नृत्य है। ठीक है, देवस्थल क्या है, वेधशाला है, यहीं पर बात खत्म आती है। ठीक है, ए का दो है तो ए का दो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और डी का क्या है, तीन है तो डी का क्या आ जाएगा, तीन आएगा, तो इसी में आपका यहाँ पर निपट जाएगा। ठीक है, तो बी का चार, 12 मासा लोकगीत है। ठीक है, और देवगुरु क्या है, एक छोटी है। क्लियर है, तो अगर आप लोगों ने इसका बी सी कर रखा है इसका आंसर आपको बिल्कुल सही है। ओके, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा में, यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है ना। अगर आपने अल्मोड़ा सीखा होगा, याद किया होगा, तो आंसर बिल्कुल सही हो गया होगा। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी, देहरादून में नहीं की गई थी। तो सिंपल सी बात है, अगर 55 का अगर आप देखेंगे तो 55 का आंसर डी है। ठीक है, ओके। अच्छा, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि उत्तराखंड का कोई भी सवाल फालतू किताबों से नहीं पूछा गया है। उत्तराखंड के सवाल सीधे सीधे परीक्षा वाणी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर परीक्षा वाणी ही आपका मेन फोकस रहा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी, और परीक्षा वाणी के अलावा अगर आपके कोई भी पूछे, आप कोई भी फोकस रहा होगा तो भाई आप जाने और अगर काम जाने। ठीक है, चलिए डेकरा संबंधित शब्द क्या है। ठीक है, परीक्षा वाणी में जाइए और शिल्प वाला जो है ना, संस्कृति वाले चैप्टर में जाइए, संस्कृति वाले चैप्टर में शिल्प कला में जाइए। शिल्प कला में मृतिका कला होगी, मिट्टी वाले कला होगी, और डेकरा शब्द जो है वो देवी और देवताओं के क्ले मॉडल मृत नमूना जो है इसका आंसर है। तो 56 का अगर आपका आंसर देखना है तो क्या है, 56 का आंसर आपका बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देवी दुर्गा मेला जो है वो रक्षाबंधन के दिन लगता है, उत्तरायणी मेला जो है मकर संक्रांति के दिन लगता है, और गौचर मेला जो है वो 14 नवंबर को लगता है। तो 57 का आंसर आपको करना है तो 20 का आंसर है। ये बहुत आसानी से भी चर्चा करना बेकार ही है। ठीक है ना, 58 क्वेश्चन को कर लेते हैं, 58 क्वेश्चन जो है हमारे सामने, 58 का आंसर क्या हो सकता है, तो अगर हम देखें तो 58 का आंसर है ए। ठीक है, ए का बी, हाट कालिका गंगोली हाट में, बी का तीन, वराही देवी देवी धुरा है, सी का चार, सुगर्णा धनौल्टी के पास में ही है, और छिन्नमस्ता देवी जो है आपकी कालीमठ में है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर देवी देवताओं के स्थान के नाम पता हो, लेकिन अगर किसी एक का भी आपको पता है तो आप लोग उसमें आराम से कर सकते हैं। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सूचना भी मैं आपको देते रहूँगा। ठीक है, थोड़ा कमर्शियल भी होना पड़ता है, और आपको सूचना यही है कि 8 जनवरी 2024 से प्रोविडेंस कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, बैच ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच ग्रुप सी का शुरू हो रहा है। अगर आप इस साल आप चाहते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करके भर्ती हो जाएं, गवर्नमेंट जॉब पालें, तो प्रोविडेंस कोचिंग आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन, और अगर आप करनपुर देहरादून में हैं तो ऑफलाइन आप आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर हमारे नंबर दे रखे हैं, एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। बस कमर्शियल सूचना यहाँ पर समाप्त, आते हैं आपके पेपर के पास वापस। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने 58 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब चलते हैं 59वें क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये भी परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पांचवा धाम यात्रा कहते हैं, तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, पढ़ लीजिएगा, यात्राओं के उसमें है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को ही पांचवा धाम यात्रा कहते हैं, तो इसमें अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, ये परीक्षा वाणी से पूछा गया प्रश्न है, बाहर से नहीं है। जो बाहर से होगा मैं आपको बता दूंगा, वैसे नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फासना शिखर। ठीक है, फासना शिखर मैं आपको बता देता हूँ कि दैनिक जागरण मेला देहरादून में, चैती मेला काशीपुर में, मायावती आश्रम चंपावत में ही है। ठीक है, कालागढ़, अब क्या चुनो इसमें बताइए। अब ये लिखा हुआ है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, मैच्ड पेयर्स। अब सारे मैच्ड हैं तो क्या करें, सही युग्म चुन लीजिए। अगर मैं मेला मेला चुन लेता हूँ तो एक युग्म बन जाता है कि चैती का मेला, झंडा का मेला कहाँ पर होगा, इस हिसाब से आंसर क्या होगा, 3 और 4। तो देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये अटपटांग प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम है किस संदर्भ में पूछा गया है, लेकिन अगर मुझे युग्म ही पूछना है तो मैंने क्वेश्चन का भी युग्म बना दिया।
ठीक है, अजीब क्वेश्चन है, मेरी तरफ से आंसर जो है आपके लिए एक्साइटेड, लेकिन मैं इसमें श्योरिटी आपको नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा। अच्छा जी, देवदार के जंगल उत्तराखंड में बहुत होते हैं, पूछ लिया उसने, पूछ ही लिया उसने, पूछना ही था, ठीक है। सेड्रस देवदार, बात खत्म। सेड्रस देवदार, देवदार का वानस्पतिक नाम है, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों ने करा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो बेकार बात है। और इतने सारे लोग, 226 लोग अभी देख रहे हैं इस टाइम पे, 200 के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, लाइक बहुत कमा रहे हैं यार, एक बार लाइक तो दबा दो। सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग गाली भी दे रहे होंगे, कुछ लोग के समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग के समझ में नहीं भी आ रहा होगा, सबका अपना अपना ज्ञान है, सबके अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है। बाद में UKPSC UK SSC का एग्जाम है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी है उसने, कहाँ रुकने वाला है वो बंदा। ऐसा पेपर बना रखा है जैसा मान लो कि पता नहीं वीडियो बना रहा है कि प्रधानमंत्री बना रहा है, ठीक है। चलिए 63 क्वेश्चन को देख लेते हैं, और 63 क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। आंसर पे पहले बात करते हैं, जिस बंदे ने कॉपी उसने आंसर से लिखा हुआ है। जिले के बात करेंगे, उत्पाद की बात करेंगे, तो भाई बाल मिठाई किसने नहीं सुनी होगी, बाल मिठाई सीधा कहाँ चले जाएगा, अल्मोड़ा चले जाएगा, ठीक है। और ताम्रशिल्प, ताम्रशिल्प टमटा लोग जो है ताम्रशिल्प जुड़े हुए, अल्मोड़ा बागेश्वर दो जगह पाए जाते हैं, यहाँ चले जाइए आप, ठीक है। अच्छा, नैनीताल में कैंडल मेकिंग क्राफ्ट के लिए फेमस जो है नैनीताल है, ऐपण कला के लिए बहुत जगह फेमस है, लेकिन कैंडल मेकिंग क्राफ्ट के लिए क्या है नैनीताल फेमस है। और हर गुड़ और शहद आपको लेना है, शहद गलत है, गुड़ अगर आपको लेना है तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में गुड़ बहुत फेमस है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारा आंसर जो होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जूला, और आप जानते हैं कि ये चंद्रवंश का क्वेश्चन है, ठीक है, और जगह भी मिल जाएगा। जूला है भूमि मापने की इकाई है, तो बात खत्म यहीं पर, ठीक है। सकलानी साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, 65वां क्वेश्चन देखेंगे तो कंकोड़ा खाल चमोली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेगार आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेगार से संबंधित क्वेश्चन है, अगर आपने बेगार कराया तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेज शिक्षा का प्रावधान किया था, तो प्रताप शाह के द्वारा अंग्रेज शिक्षा प्रदान किया गया था, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, उनको देख लेते हैं। अच्छा, ये सभी जानते हैं सरो हारल छोपती लंगवीर क्या है, ठीक है, क्या है ये बताइए, अगर ये मुझे बताना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है, लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जा रहा है पिथौरागढ़ में, 70 का क्या है, बी आंसर है क्या, ठीक है। तो ये सभी लोग जानते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, कई बार ना मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, यानी कम से ज़्यादा की ओर चलना है, कम से ज़्यादा। तो भाई मंडवे की खेती जो होती है सबसे कम होती है, तो पहले तो मंडवा आ जाएगा, यानी सी पहले आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, गेहूं की होती है, तो मतलब ए लास्ट में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सी पहले है और ए लास्ट में है, और जगह पे सी पहले और ए लास्ट में नहीं है, आंसर क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर बी है, सेट बी हम लोग कर रहे हैं, अगर आपका आंसर बी है तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कुल बोए क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल में कम मंडवा बोया जाता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा डी ऑप्शन गन्ना, फिर उसके बाद आपका बी ऑप्शन धान, और फिर उसके बाद ए ऑप्शन आपका क्या है, गेहूँ। और आप बोलेंगे सर कहाँ से क्या, ये भी परीक्षा वाणी में है, कृषि वाला चैप्टर पढ़िए, और कृषि वाले चैप्टर में शुद्ध बोएगा क्षेत्र हर प्रकार का क्षेत्र बताया गया है, उसको ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए ओके, चलिए रौत की बात कर लेते हैं, ये पढ़ा पढ़ाए शब्द है, ठीक है। कुमाऊं में किसी व्यक्ति को अच्छा बहादुरी के लिए रौत भूमि दी जाती है, जिसने करा है भाई साहब बहुत गलत करा है अपना। अच्छा, इसमें ना 73 क्वेश्चन में चेंज हो गया है, चमोली को यहाँ होना चाहिए था और पिथौरागढ़ को यहाँ होना चाहिए था, समझे आप लोग। कटार में सूर्य मंदिर कोशी, ठीक है। भरत गुफा कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में नहीं है, चमोली में है। गुरुदेवता चिताई, ठीक है। और थलकेदार कहाँ है आपका, कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में है। तो अगर हम 73 क्वेश्चन को देखें तो 73 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, ठीक है, बी और डी। तो बी और डी जो है इसमें सुमेलित युग्म सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। अगर आपने ये करा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे मित्रों आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के इस चैनल में अगर बिल्कुल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते से ही हम लोग आपके लिए एक नए सेशन, 1 तारीख से जो सेशन शुरू होने वाले हैं वो अलग ही लेवल के शुरू होने वाले हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। और 8 तारीख से नया बैच शुरू होने वाला है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और आप हम लोगों से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन मैंने अपने PCS मेंस के लिए करा हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ।
कि हमारे उत्तराखंड में ना फार्मा फार्मा प्लस पेट्रोलियम, मैं आपको पहले बता दूं, क्वेश्चन को समझने से पहले ही आपको बता दूं कि हम सबसे ज़्यादा जो है ना फार्मा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो तेल का रिफाइनरी भी नहीं है, तो भी हम करते हैं, बिल्कुल हम करते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल में ऐसी व्यवस्था है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है और वो क्या है, रासायनिक उत्पाद, और रासायनिक उत्पाद का संबंध किससे है, फार्मा और पेट्रो से है, ठीक है, मेरे अनुसार बोल रहा हूँ मैं, गलत और सही क्या UK SSC लेता है, क्योंकि इसके सही आंकड़े बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, ठीक है। सब्जी उत्पाद इतना प्रोडक्शन, सोचिए उत्तराखंड का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ से सब्जी उत्पाद कर सके, ठीक है। लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, बैंड लगा हुआ है लकड़ियों पे, कौन उसको चीर फाड़ेगा, कौन इसको पहुँचाएगा, जंगल तो हमने फाड़ने नहीं है। प्लास्टिक और रबर उत्तराखंड में होता ही नहीं है ना, प्लास्टिक उत्तराखंड में पैदा होता है, रबर की तो यहाँ पर प्लांटेशन होती ही नहीं है, तो कैसे कर लोगे इसको आप। बचा क्या, रासायनिक उत्पाद, रासायनिक उत्पाद आंसर क्यों लग रहा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स भी यहाँ से बनते हैं, तो फार्मा और पेट्रोलियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए यहाँ पर केमिकल आउटपुट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए UK SSC क्या इसका आंसर देता है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट 2022 की पढ़ ली है और 2022 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी पढ़ लिया है, ठीक है, और 2021 को भी पढ़ लिया है, कहीं पर भी नहीं है, नंबर वन पे ये दे रखा है, इसलिए मैंने आपको पहले आंसर से पहले ये बता दिया। तो अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई है, दिक्कत है, तो आप लोग कर लीजिएगा, मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, फिर आपको बताना है कि भाई सूची एक, सूची दो को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। अच्छा ठीक है, अगर रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में आप जानते हैं तो बी का चार, ठीक है। अब देखिए बी का चार केवल एक ही है और वो है सी में, तो इसका आंसर बन जाएगा सी, बात ही खत्म हो जाती है। अगर आप एक आंसर भी जानते हैं, बी का चार आप जानते हैं, तो बात की बाकी तो खत्म ही हो जाता है ना, आंसर कर लीजिए। चलिए अब आता है कन्फ्यूजन वाली बात, क्षेत्रवा क्वेश्चन जो है बड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसका उत्तर भी सही बात है। पंचबद्री में कौन सा बद्री नहीं है, आदि बद्री, श्री बद्रीनाथ, वृहद बद्री, योगधान बद्री, भविष्य बद्री, ये पांच बद्री होते हैं ना, ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होगा, बद्री विशाल होता है ना, तो बद्री विशाल को बद्रीनाथ भी कह सकते हैं, तो मतलब ये भी सम्मिलित है, आदि बद्री भी सम्मिलित है, वृहद बद्री भी सम्मिलित है, भविष्य बद्री ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए कि इसका आंसर मैंने ध्यान बद्री करा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, योग ध्यान होता तो मैं सही बोलता, ये ध्यान है सिर्फ, कई लोगों ने इसका बद्रीनाथ कर दिया है, कैसे कर दिया आप लोगों ने, बद्रीनाथ को बद्री विशाल कर सकते हैं, अब शब्दों के रूप में जाएंगे तो योग ध्यान बद्री होता तो मैं इसको सही बोलता, लेकिन ये योग ध्यान बद्री नहीं है, ये क्या है, ध्यान बद्री है, तो इसलिए मेरे तरफ से जो आंसर का बी होना चाहिए, बाकी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पर आप केस कर सकते हैं, ठीक है, जिसने बनाया उस पर डबल केस कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 4-5 केस तो कर ही दो उसके ऊपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जागर, अब जागर किसी को पता ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए मालूशाही आप जानते हैं, राजुली और मालूशाही की प्रेम कहानी, ए का डी तो यहीं पर हो गया, वन का डी यहीं पर हो गया, बात ही खत्म हो गई, वन का डी और की नज़र नहीं आ रहा, वन का ए, वन का सी, वन का ए हो रहा है, तो वन का डी एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो वन का डी अगर आपको पता है तो बात ही खत्म हो गई। पवाड़े समझते हो आप लोग, जागर समझते हो, हुड़की बोल गाथा समझते हो, हुड़की बोल गाथा कृषि के संबंधित होती है, ठीक है, आप समझते हो, अगर ये चीज़ें जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं देखिए लाइक बहुत कम चल रहे हैं, हम 300 प्लस हो चुके हैं लेकिन लाइक बहुत कम है और शेयरिंग तो बहुत ही कम है। देखिए अगर आपको लगता है कि प्रोविडेंस कोचिंग का ये प्लेटफॉर्म आपको और मदद कर सकता है और आपकी आगे आने वाले समय में आपको बहुत जानकारी दे सकता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि प्रोविडेंस कोचिंग के चैनल में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसमें GS भी आपको मिलेगा, उत्तराखंड भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। हम लोग कभी भी परीक्षा होने को छोड़ते नहीं हैं, इसको लेकर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अटपटांग शटपटांग, कभी भी विद्यार्थियों का दिमाग खराब करने के लिए पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, हमेशा विद्यार्थियों को सही दिशा में करना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहा है कि परीक्षा होने को ध्यान से पढ़िए, हम उसी के प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास सामने, हाँ ये बड़ा दिक्कत हो गया यार, ये ढूंढते ढूंढते ना मेरी हालत ख़राब हो गई, फिर भी ढूंढ लिया मैंने। यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा। देखिए बागेश्वर से नैनीताल जाना है, बेताल घाट कहाँ पर है, नैनीताल में है, तो यानी सिंपल सी बात है ये सबसे लास्ट में होगा, ठीक है भाई, ये लास्ट में हो गया बेताल घाट। सोमेश्वर कहाँ पर है, बिल्कुल ऊपर है, तो इसका आंसर आपका यही है, ठीक है। अगर आप दक्षिण
उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो सबसे पहले सोमेश्वर पड़ेगा, फिर अल्मोड़ा पड़ेगा, फिर खैरना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, बेतालघाट पड़ेगा। तो अगर आपने ये आंसर करा है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन कईयों को मैं जानता भी हूँ। उत्तरकाशी में रहा हूँ तो सेलकू उत्सव आप जानते हैं, उत्तरकाशी भागीरथी नदी में नदी घाटी जो है, आपको पता है कि जो गंगोत्री माता का शीतकालीन आवास है वहाँ पर ही मनाया जाता है। हरियाली पूड़ा चमोली, ठीक है, और यहाँ पर जो ध्याणी होती है, ध्याणी को इसमें बाकायदा दिया जाता है, ध्याणी मतलब जो विवाहित कन्या होती है, ये भी सही है। लखवाड़ मेला जो है वो जौनसर बावर से लोकप्रिय मेला है, चलो ये भी मान लेते हैं। अब बचा क्या, कथन सही नहीं है, तो दो ही बचा हुआ है, तीन तो हम जानते हैं, एक हम जानते नहीं है, बात खत्म। तीनों गलत होते तो मैं मान लेता, तीनों गलत नहीं, तीनों सही है। ठीक है, तो आंसर बनता है शनिगाड़ मेला, चैत्र नवरात्रि में आते हैं। अब शनिगाड़ गाड़ पूछ लिया, अबे गाड़ उत्तराखंड में गाड़ के अलावा ही क्या है ना। पहले का आंसर, अच्छा पहले का आंसर क्या बताया मैंने, किसका आंसर, डी है इसका आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर वन में गलती होगी, पता नहीं भैया, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, हो सकता है होगी हो। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप पूछेंगे गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों को, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो देने रखे हैं शब्द कि जिनका सही मायने है। गढ़वाली कुमाऊनी भाषा जो है और हर 3 किलोमीटर में चेंज हो आती है, और जिस जगह अलग अलग शब्द बोले गए हैं उस जगह अलग अलग वैल्यू, उसकी मान्यता है, उसके अलग अलग महत्व है। इस प्रकार के प्रश्नों को एग्जामिनर को बचना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए मैं वो कुमाऊनी प्रश्न में गलत हो सकता हूँ, गढ़वाली प्रश्न में गलत हो सकता हूँ, आपके लिए हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए जो मैं आपका निजी अनुभव है, निजी अनुभव तो गलत नहीं हो सकता, तो मैं अपने निजी अनुभव से ही इस चीज़ को बता रहा हूँ, इतना क्लियर है। हो सकता है आपका निजी अनुभव कुछ और हो तो वो कुछ और हो सकता है, ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा इसमें आप वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो अपने निजी अनुभव को छोड़ दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वही मैं मान्य करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ भी मान्य नहीं करूँगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास, वैसे बोर्ड होगा परिषद, अच्छा इंग्लिश में बोर्ड है, हाँ ठीक है, हाँ उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था जो है वो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है, बोर्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले करवा भी रखा है और इस बार आ भी गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार, इसका आंकड़ा मेरे पास 2023 का पड़ा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सहायता अनुदान देता है, तो 37% तो सहायता अनुदान हो गया। क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित चित्र पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों को सही सुमेलित करें। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है हमें, कहाँ से प्राप्ति होती है हमें, पैसा आता है हमारे पास केंद्र से सहायता अनुदान से, तो दो का क्या हो गया, ठीक है 37% ए हो गया, ए का हो गया दो, ए का क्या हो गया दो हो गया, आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है, आपका आंसर ये बन जाएगा बी का 1, सी का 4, 80 का चेक कर लेते हैं एक बार, 80 का क्वेश्चन क्या है, अच्छा ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऋषिगंगा, निम्न के कथनों में से कौन सा कथन सही है, ऋषिगंगा ऋषिकेश में गंगा नदी से मिलती है, ऋषिगंगा दो प्रकार की गंगा है भैया, ठीक है, एक तो धौली गंगा वाली चमोली वाली और एक आपकी यमुनोत्री वाली, चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में मिलती है तो हम सभी को पता है, तो सिंपल सी बात है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऋषिगंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है सही नहीं है। चलिए ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी दो जिलों में विभक्त किया गया था, बिल्कुल सही है, गढ़वाल और कुमाऊं। जी डब्ल्यू टेल बंदोबस्त, प्रथम बंदोबस्त अधिकारी थे, अधिकारी बिल्कुल सही थे, गार्डनर ने पहला करा था लेकिन अधिकारी ट्रेल थे, ठीक है। 11वां बंदोबस्त इबिटसन था, तो विकेट बंदोबस्त पो बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये नहीं है, विकेट इसका आंसर होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो निम्न कौन सा कथन सही है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी आपका हो जाएगा। 85 का अगर आंसर हम देखेंगे तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 85 का सी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, गोट, अंग्रेजी में, हिंदी में गोट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक होती है गोथ,
गोथ एनिमल हस्बेंड्री, एक होता है गोथ एनिमल हस्बेंड्री, ये एक एनिमल हस्बेंड्री की एक क्या है, प्रकार है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको गोथ का, किससे जाएगा, पशुपालन से। तो एनिमल हस्बेंड्री को लेकर भी इसका आंसर है। तो अगर गोट आपने करा हुआ है तो गोट एनिमल हस्बेंड्री का एक प्रकार होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर एनिमल हस्बेंड्री जाएगा। अच्छा जी, आपका 87 क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन जो है, हाँ, जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों में से घिरा हुआ है। तो अगर आपको पता है कि पिथौरागढ़ भी टच होता है, अल्मोड़ा भी टच होता है, चमोली भी टच होता है, ठीक है, ये टच होते हैं, ओके। तो घिरा हुआ अगर हम देखेंगे, पिथौरागढ़ से भी घिरा हुआ है, अल्मोड़ा से भी घिरा हुआ है, चमोली से घिरा हुआ है, तो 87 का क्या है, बी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो आपका हॉर्नबिल है, जो आपका क्या है, हॉर्नबिल है, ये एक चिड़िया होती है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। धनेश जो चिड़िया होती है, ये सूची एक में है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि सूची एक में है, ये दिमाग में भर लीजिए आप लोग। और जो आपका कस्तूरी मृग है, ये भी सूची एक में है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची एक में है, तो सूची एक में है, बिल्कुल सही है। धनेश अनुसूची दो में, ये गलत है, क्योंकि वो भी अनुसूची एक में है। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। अगर आपने केवल एक करा है तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि जो हॉर्नबिल है वो भी शेड्यूल वन में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी तो जोशीमठ थी, फिर कार्तिकेयपुर थी, ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है, 89 क्वेश्चन अगर आपने देखना है तो इसका आंसर है डी, दोनों ही गलत है। आरंभिक पूछा हुआ है, अगर वो पूछता की बात की तो मैं मान लेता एक बार, लेकिन पूछा क्या गया, आरंभिक। उत्तराखंड के आखिरी क्वेश्चन पे जाने से पहले कमर्शियल हम जाना चाहेंगे, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा कि प्रोविडेंस कोचिंग में ऑनलाइन माध्यम यानी हमारे एप्लीकेशन में लाइव रिकॉर्डिंग वीडियोस आप ले सकते हैं, हर दिन पढ़ सकते हैं। 8 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, 8 जनवरी से। और ऑफलाइन माध्यम में करणपुर में आपको प्रोविडेंस कोचिंग में आना है, और वहाँ पर आप 8 तारीख से हमारा नया बैच कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारे बारे में सब कुछ बताया है भैया। वहाँ जाइए और हम पे कॉल कीजिए और आप हमसे बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। चलिए जल्दी से आपका समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चंस के आंसर लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, वह मेरी दादी की एक लौती संतान की पुत्री है। देखिए क्लासरूम में मैंने आपको कई बार बताया है कि जिन बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है वो इसका छोटा कर दीजिए। मेरे दादी की इकलौती संतान कौन होगी, सोचिए, मेरे दादी की इकलौती संतान वो मेरे पिता होंगे, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस को मैं काट देता हूँ, वह मेरे दादी की इकलौती संतान को काट दीजिए और सिर्फ क्या लिखिए, मेरे पिता की पुत्री। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। राम ने एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, एक महिला को बोल रहा है कि ये मेरे पिता की पुत्री है। अब कोई मेरे पिता की पुत्री है तो राम की क्या होगी, राम की होगी बहन। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, जल्दी से कमेंट में बताइए, क्वेश्चन नंबर 92 को पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाए या फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँ, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, 92 देखिए आपको करना क्या है इसमें, देखिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग आंसर की चेक करने के मूड में हैं, अभी आप एक्सप्लेनेशन के मूड में नहीं हैं। तो आप बस क्या करना है, जब आप घर पे सॉल्व करोगे तो कैलाश, गोविंद, हरिंदर, जितेंद्र, ठीक है, ये जितने भी नाम होंगे इनको एक साइड लिख देना, और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ जैसे कि बुद्धिमान, ठीक है, जैसे कि आपकी परिश्रमी, तो ऐसे टेबल बना देना, ठीक है, और जो जो क्वालिटीज़ जिसकी लिखी है उस पर टिक लगा देना, बस इसमें ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 92, तो 92 का मेरा जो आंसर आया था वो बी आंसर आया था, क्लियर, तो वो एकदम सही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी मतलब गोविंद, गोविंद आपका इस कैटेगरी में आएगा जो ना तो ऑनेस्ट है ना हार्डवर्किंग है पर महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस है, क्लियर। चलिए डायरेक्ट, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं डायरेक्ट आंसर बता दो, कोई बात नहीं, हम एक क्लास और कर देंगे, एक क्लास और करेंगे और उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को क्लासरूम में कराया था मगर ऐसा नहीं कराया था, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इन लाइनों को जोड़ना है, जब आप इन लाइनों को जोड़ोगे तो आप पाओगे कि
एक आपकी बन गई रो एंड कॉलम की मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम की मैट्रिक्स बन गई। देखिए एक दो तीन चार, कितने की मैट्रिक्स है, चार बाई दो की मैट्रिक्स प्लस 3 × 1, इसके बाद जाएगा नहीं क्योंकि इसके बाद हो जाएगा 2 × 0, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 3, कितने हो गए, 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। क्या कितने स्क्वायर आएंगे इसके अंदर, 11 स्क्वायर आएंगे, ठीक है। जो बच्चे सिंगल सिंगल डिजिट के साथ करना चाहते हैं वो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी बच्चे बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। आप लोग आराम से तसल्ली से इसको कैलकुलेट कर लेना, 11 स्क्वायर बनेंगे जब आप इन लाइंस को जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 बी सेट कर रहे हैं दोस्तों, बी सेट, ठीक है। तो सेट बी में क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर बी होगा 11। अगला क्वेश्चन है 94। क्वेश्चन नंबर 94 में लीडर को लिखा गया है 20, 13, 9, 12, 13, 26, ठीक है। तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, LIGHT। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे सबकी नंबरिंग लिख देना, ठीक है, सबकी नंबरिंग लिख देना। जैसे कि L होता है 12, ठीक है, I होता है 9, इन सबके साथ 8 जोड़ देना। 8 जोड़ोगे तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। 9 और 8 कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। तो 20 17 किस में आ गया, सी ऑप्शन में आ गया। तो 94 का आंसर क्या है, सी है। आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लेना, 94 का आंसर सी आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 में 2009 का कैलेंडर दोबारा कब दोहराया जा सकता है। तो देखो कैलेंडर रिपीट होते हैं, आपको पता होगा ना कैलेंडर, जैसे अभी 2023 का कैलेंडर है तो ये कभी ना कभी दोबारा भी आएगा। तो बस आपको करना क्या होता है, इनके अतिरिक्त दिनों की संख्या लिखनी होती है, ठीक है। जैसे कि 2009 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ऐसे आपके अगर अतिरिक्त दिन आपको पता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट इसके पढ़े होंगे कैलेंडर के, तो 2010 में एक अतिरिक्त दिन, क्योंकि साधारण वर्ष है, एक अतिरिक्त दिन, ये लीप वर्ष होता है 2012, दो अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, ये दो अतिरिक्त दिन, एक, जहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका 8 2015 में, ठीक है, 2015 में आपका क्या आ रहा है, टोटल 8 आ रहा है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 2015, 2009 का कैलेंडर सेम टू सेम 2015 में रिपीट होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कई बच्चों को जल प्रतिबिंब नहीं निकालने आते। जल प्रतिबिंब निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस क्या करना है, 6:30 से सामान्य समय को माइनस कीजिए। अगर 6:30 माइनस नहीं हो रहा है तो 18:30 से, तो बस करना क्या है, आप जैसे ये 8:15 है, इसको आप 8:15 को 18:00, क्योंकि 6:30 से तो जाएगा नहीं, तो जल्दी से आप 18:15 से माइनस कर लीजिए, ठीक है। कितना बचेगा, 10:15 कहाँ पर है, 10:15 ए का क्या होगा, फर्स्ट होगा। वैसे ही 9:20 को भी आप 18:30 से माइनस करिए, ठीक है, 18:30 से आप 9:20 को माइनस करिए। जब आप माइनस करेंगे तो आप पाएंगे 9:10 हो रहा है, 9:10 यानी कि बी का आंसर क्या है, थर्ड है। इसी प्रकार आपको सबको 18:30 से माइनस करना है, ठीक है। जब आप 18:30 से माइनस करोगे तो आप पाओगे कि ए का फर्स्ट है, ठीक है, ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, बी का क्या है, थर्ड है। तो देखो ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, ये ए वाला मैच हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए ठीक है, खाली आंसर एक्सप्लेन करते हैं। चलो इसको तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एक लाइन बनेगी सीधी लाइन, ठीक है, आपका बी सी ए डी एक लाइन में आ जाएगा। मेरा जो आंसर आया है इसका 6 किलोमीटर आया है, क्लियर, इसका आंसर है आपका 6 किलोमीटर, 97 का 6 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगर 4 के बाद 6 आए, 9 के बाद 13.5 आए, तो देखो 4 के बाद 6 कैसे आएगा जब उसका 1.5 से गुणा होगा, तो 6 आएगा। 6 के बाद 9 कैसे आएगा जब उसका 1.5 से गुणा होगा, तो 9 आएगा। 9 के बाद 9 को 1.5 से गुणा करो, 13.5 आ जाएगा, और 13.5 को भी 1.5 से गुणा करो, 13.5 को भी 1.5 से गुणा करिए, ठीक है। 98 क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा सी, 20.25। देखिए रीजनिंग में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो जितने भी लोग अभी तक जीएस के भरोसे जाते थे रीजनिंग में, देखिए जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता वो लोग रीजनिंग को क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते। देखिए एक बार, क्योंकि रीजनिंग में 10 से 12 चैप्टर है कुल पढ़ने के लिए, तो बहुत आसान सा स्टेप होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए आंसर, इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये ऐसा हो गया,
अब आप अगले वाली फिगर देखिए, अगले वाली फिगर में आप देखोगे तो एक छोड़ के दूसरे नंबर पे आ रहा है, एक छोड़ के दूसरे नंबर पे, लेकिन बाद में फिर से एक, फिर पहले तो एक छोड़ा था, अब दो छोड़ दिए, फिर दोबारा से एक, अब तीन छोड़ेगा, ठीक है, तीन छोड़ेगा, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 99 का ए आंसर, क्लियर, 99 का ए। तो मैच करते रहिए, किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो बता देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आपको हर एक की नंबरिंग करनी पड़ेगी, अल्फाबेट में हर एक की नंबरिंग, तो हर एक की जब नंबरिंग करोगे तो स्टैट्स, स्टैट्स में सबको देखिए, एस टी ए टी एस, अब आपको इनके जो नंबरिंग है, जो रैंकिंग है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब स्टैट्स की रैंकिंग आप निकालोगे तो टोटल मेरा 79 आ रहा था ये, ठीक है, क्योंकि ये 19वें नंबर पे होता है, ये 20वें नंबर पे होता है, ये पहले नंबर पे होता है, 20वें नंबर पे होता है, 19वें नंबर पे होता है, टोटल करेंगे 79, और सबसे ज़्यादा 79 आ रहा था, ठीक है। मैथ्स का मैं बताया था, मैथ्स का मेरा टोटल आया था 61, क्लियर, इसका आया था 79, हिंदी का आया था 44 और इसका आया था 55, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है, ठीक है, अक्षर का मान वर्णमान उनके क्रमांक के बराबर है, तो निम्न में से किसके सभी वर्णों का योग अधिकतम है, तो स्टैट्स का योग अधिकतम है, 100 का आंसर होता है बी, क्लियर। चलिए, तो ये हमारी आंसर की थी, इसमें अगर थोड़े बहुत आंसर ऊपर नीचे या गलत हो भी गए होंगे तो हम उसे पिन सेक्शन में, जो आपका पिन आ जाए जब आप बाद में इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने आंसर को करेक्ट कर लेंगे अगर किसी आंसर में आपको दिक्कत लगती है, ठीक है, और पिन मैसेज में भी हम उसे आपको शो करा देंगे ताकि आप जब दोबारा इसको देखें तो जो भी आंसर में अगर कुछ त्रुटि आती है तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो आप लोगों का सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हमारा जो नया बैच है वो सर ने आपको बता दिया होगा, नया बैच आपका UKSSSC UKPSC एकदम, जिसमें मैथ्स रीजनिंग भी बेसिक से चलती है, क्लियर, तो वो आपका 8 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन प्रोविडेंस कोचिंग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, आप चाहो तो providencecoaching.in लैपटॉप पे भी खोल सकते हो और वहाँ पर भी ऑनलाइन आप जुड़ सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इस बार आपके लिए खास बात क्या है कि आपके लिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी दी है, अगर आप वन टाइम में पेमेंट नहीं कर पाते हैं या आप जितने, देखिए हम हर एक बच्चे की ताकत अलग अलग होती है, तो कई बच्चे 6 महीने में कोर्स पूरा कर लेते हैं, कई बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ पर आपके पास इस बार हमने एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि जो बच्चा 6 महीने के लिए कोर्स लेना चाहता है वो 6 महीने के लिए ले सकता है, जो 1 साल के लिए लेना चाहता है वो 1 साल के लिए लेना चाहता है, और अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने तैयारी शुरू नहीं की, तो आप 2 साल वाला पैकेज भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। बाकी ऑफलाइन कोचिंग करणपुर देहरादून में आप आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी 8 तारीख से ही, और आपकी जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे आपका बैच शुरू हो जाता है, क्लियर। तो चलिए, सभी बच्चों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और जिन भी क्वेश्चंस में अभी त्रुटि अगर होती है, अभी हम दोबारा रीचेक कर लेंगे, जिन भी बच्चों में अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूजन लग रही है तो हम पिन मैसेज में उसको करेक्ट कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर की हम आपको दोबारा से अभी, क्योंकि ये तो शॉर्टकट में हो गया, अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको देना है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आपको देंगे तो सारे आंसर की अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हुए होंगे तो वो आपको सही हो जाएंगे, ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम जब दूसरा वीडियो भी आएगा सेम पेपर में, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, तो दूसरा वीडियो का पता आपको तभी चलेगा, या तो आपने हमारा प्रोविडेंस कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर आप नोटिफिकेशन में आपको आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है, तो बेल आइकन दबाना ना भूले, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो का पता चल जाएगा, ठीक है। तो सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा इसी पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, और जो भी आंसर्स होंगे अगर किसी में करेक्शन की गुंजाइश होगी तो उसमें हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, और फ़ोन नंबर दिया है कोचिंग का, अगर आपसे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप जान सकते हैं, क्लियर, धन्यवाद।